आज भी शून्य में चक्कर काटती है। सूर्य को थाली की तरह मध्य में रख वर्षों से एक गोलाकार वस्तु अपने गर्भ में ना जाने कितना कुछ लेकर इस महाशून्य में सूर्य की परिक्रमा करती आ रही है। पृथ्वी एक स्थूल वस्तु होते हुए जब विराट सूर्य की परिक्रमा कर सकती है, तो एक ही विषय वस्तु द्वारा गठित हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे द्वारा निर्मित वायुयान रॉकेट को हम अपनी इच्छानुसार उड़ा सकते हैं, निर्दिष्ट समय पर उसे उस स्थान पर वापस ला सकते हैं। जिनमें इतनी शक्ति हो, वो इच्छा करने पर, चेष्टा करने पर, चर्चा करने पर क्या नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकेंगे, हमसे नहीं होगा, ये चिंता बिल्कुल गलत है। यंत्र द्वारा यदि बात बुलावा लिया जा सकता, तो मंत्र के माध्यम से अर्थात मन के द्वारा ऐसा क्यों नहीं होगा? यंत्र तो बहुत स्थूल होता है। प्रत्येक जीव अपोलो से लाखों गुना अधिक शक्ति धारण किए हुए है। उनकी क्षमता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो सृष्टि हुई उससे अधिक जिसने सृष्टि की, उसकी क्षमता बहुत अधिक है, ये तो मानना ही होगा। इतनी छोटी सी आंख से इतने बड़े समुद्र को हम देखते हैं। 3.5 हाथ का शरीर लेकर हम क्या नहीं कर सकते हैं? यहां की चौकीदारी के दबाव में, संस्कार के दबाव में, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न मतावलंबियों के दबाव में पड़ो, हमारी स्वच्छ गति में बाधा सृष्टि होती है। हम लोग संस्कार के गर्त में डूब गए हैं। इस संस्कार का विवाद केवल बाहर ही नहीं, मन पर भी पड़ रहा है। फलस्वरूप मन के स्वच्छ सरल गति के लिए जिस रिफाइंड पेट्रोल का प्रयोजन है, उस जगह पानी का भाग अधिक हो गया है। ऐसा राक्षसों के उत्पात से ही हुआ। वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पेट्रोल में पानी मिला देते हैं, जिसके कारण मन के चाल में हर पल बाधा सृष्टि होती है। रथ रुक जाता है, चल नहीं पाता। हम सोचते हैं कि रथ में चलने की क्षमता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, रथ की क्षमता ठीक ही है। राक्षस अर्थात रक्त चूसने वाले उसमें विष डालकर सब जटिल बना देते हैं। ये 1-2 दिनों में नहीं हुआ, हजारों हजार वर्ष तक विष उड़ेला गया और मार्ग बंद कर दिया गया है। जैसे आज के दिनों में अभाव की सृष्टि की गई है, आमंत्रित कर जिस प्रकार अभाव बाबू को बुलाकर देश में लाया गया है, उसी प्रकार जीव के गतिपथ में जटिलता को बुलावा दिया गया है। वेद की विकृत व्याख्या से, धर्म शास्त्र राजनीति इच्छानुसार अर्थ विकृति से, नाना दार्शनिकों के
अपने अपने मतों को थोपने से ही इस जटिलता की सृष्टि हुई है। वर्तमान के अभाव की तरह जटिलता ने हमें इस प्रकार से घेरा है कि आज हर कार्य में हमें हताशा निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अच्छी शुद्ध चीज मिलने पर भी आज हम उसे हजम नहीं कर पाते। ऐसी ही अवस्था खड़ी हुई है। पर यह बात याद रखो, अवस्था की जटिलता चरम सीमा तक पहुंचने पर भी बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है। हवा रोशनी की तरह हमारे स्वच्छ गतिमार्ग पर जटिलता का पत्थर डाल बाधा उत्पन्न करने पर भी सारे मार्ग अवरुद्ध नहीं हुए हैं। जन्म मृत्यु का क्रम तो बंद नहीं हुआ। शैशव से वृद्धावस्था तक की गति तो वैसी ही बनी हुई है। वहां तो कोई जटिलता आक्रमण नहीं कर सकी, इन्हें तो कोई रोक नहीं सका। बल्कि देखा गया है कि इस अभाव एवं जटिलता ने बुढ़ापा और मृत्यु के मार्ग में और भी द्रुतता प्रदान कर दी। इस पर रोक लग सकती है क्या? ऐसा यदि नहीं कर सकते, जन्म मृत्यु की गतिपथ पृथ्वी की दैनिक वार्षिक गतिपथ शीत ग्रीष्म वर्षा ऋतु परिवर्तन यदि नहीं रुकते, तो समझना होगा कि हमारे चलने का गतिपथ ठीक है। केवल पत्थर की ठोकर खा असंभव समझ लौट आते हो। इस संस्कार रूपी पत्थर को हटा देने पर देखोगे कि गतिपथ फिर खुल गया। हमारी चिंता भावना में आज मोर्चा लग गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी क्षमता खो चुका है। घिसते घिसते सब फिर से चमचमा उठेगा। मोर्चा वाली तलवार को तेज धारदार बनाया जा सकता है। हम यदि ग्रहों तक जाने वहां शून्य में मिलने की चिंता भावना कामना वासना को दिनों दिन तेज धारदार मार्ग की ओर बढ़ाते जाएं, तो वो फिर से कार्य करने लगेगी। लगता है तुम हमारे हो, ये बताना ही प्रकृति का उद्देश्य हो। तुम हमारे संगी बनो। राक्षसों का केवल हाऊं माऊं खाऊं कर समाप्त हो जाना ही प्रकृति का उद्देश्य नहीं है। इतने विराट सृष्टि के उद्देश्य को इतना छोटा कर चिंतन करने से उस विराट का अपमान होता है। विराट महाकाश की विशालता की मर्यादा देने हेतु उसका संगी बनना होगा। उसके उद्देश्य के संग अपने उद्देश्य का मेल स्थापित कर उसके संग चलना होगा। इस मिलन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसकी इस महान सृष्टि के दृष्टांत को मानचित्र के समान समझना पड़ेगा। धरती के रहस्य को जानना होगा। प्रकृति की वर्णमाला को अच्छी तरह सीखना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें मन प्राण में गूंथ लेना होगा। उसी के वर्णन के अनुसार चलना होगा, तब सृष्टि के उद्देश्य को समझ सकोगे। सृष्टि का उद्देश्य प्रकृति के प्रत्येक वर्ण में झलकता है। उसके विवरण को समझने में बहुतों ने भूल की है। इस विराट सृष्टि के उद्देश्य को उसके मर्म को समझकर हर क्षण उसी अनुरूप चल सकने पर विराट के संग मिलने का मार्ग खोज पाओगे। इस मार्ग को किस प्रकार जानना है? पहाड़ी मार्ग के अनुसार एक ही मार्ग घूम घूम कर ऊपर जाता है। ये मार्ग मीलों मील चलता गया है। थक कर जब थोड़ा बैठे, तब देखा कि मात्र थोड़ी सी ऊंचाई ही तय की। यहां हताश ना होकर इसी प्रकार यदि चलते जाओ, तो जितना भी समय क्यों ना लगे, शीर्ष पर अवश्य पहुंच पाओगे। उसी प्रकार से इस यूनिवर्स का मार्ग भी
एक एक विषय वस्तु को लेकर तुम्हें घंटा पर घंटा घूमते रहना पड़ सकता है। एक के बाद एक का विश्लेषण करते हुए बढ़ना होगा। एक एक इशू पहाड़ी मार्ग के एक एक मोड़ की तरह है। इसी प्रकार एक के बाद एक इशू का विश्लेषण करते हुए अपने मार्ग का चुनाव करते हुए बढ़ो। इसी प्रकार विश्लेषण के मार्ग से चलते चलते एक दिन हो सकता है ये देख पाओ कि तुम विराट के सर्वोच्च शिखर पर आ खड़े हुए, ना जानते हुए भी विराट के संग एकात्म हो गए हो। ग्रह नक्षत्रों को उस समय जानने समझने या वहां विचरण करने में असुविधा नहीं होगी। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण।